छतरपुर प्रशासन द्वारा नकली प्रोडक्ट को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में छतरपुर के बाईपास पर स्थित एक मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उमेश साहू की फैक्ट्री है जहां पर फूड विभाग की टीम अभी लगातार कार्रवाई कर रही है और यहां पे सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकारी किस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट के सैंपल ले चुके हैं और लूज यहां पे जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखिए किस तरीके से सैंपल को पैक किया जा रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मसाले बनाए गए हैं और यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ मिलावटी मसाले हैं जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हम आपको ये प्रोडक्ट भी दिखा दें कि यहाँ पे किस तरीके के हैं। ये शिवम कश्मीरी मिर्च पाउडर है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बढ़िया सी पैकिंग की गई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिलावट की पाई गई हैं, इसीलिए यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा ये धनिया पाउडर है और ये धनिया पाउडर सूरज कंपनी का बनाया गया है, लगाया गया है, पूरी पैकिंग की गई है, लेकिन संचालक का कहना है कि दस्तावेज हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें यहां पे डिपार्टमेंट को ऐसी मिली हैं जो संदेहास्पद हैं, इसीलिए यह कार्रवाई बड़ी चल रही है। सारी चीज़ों के जो लूज चीज़ें हैं वो यहां पे रखी हुई हैं, पैकेट के भी रखे हुए हैं। फूड विभाग लगातार ये कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने इस कार्रवाई को किया है। पहले संचालक से बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फूड विभाग के अधिकारियों से भी बात करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहाँ पर दुल्हन मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सोरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। क्या नाम है आपका? उमेश साहू। उमेश, आपकी ये जो फैक्ट्री है मसाला की, इसमें किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं? प्रोडक्ट हम अपना खुद बनाते हैं, सूरज मसाले के नाम से हमारा खुद प्रोडक्ट है। रजिस्ट्रेशन है इसका? हाँ, रजिस्ट्रेशन है, एक मार्क है हमारा। फिर क्यों टीम आ गई कार्रवाई करने? टीम अपनी काम कर रही है। आपका गोदाम भी सील कर दिया है? वो सब आगे जो भी होगी कार्रवाई होगी। नहीं तो अगर कुछ कमियां रहती हैं, जब ही सील किया जाता है उसके पहले कोई सील नहीं करता। अब जैसे जिसकी अधिकारी की जैसी इच्छा से नहीं भाई, लोगों ने हमारी शिकायत फालतू की है। अब जैसे अब ऊपर वाले देखे तो आपको लगता है कि हम फेयर हैं, गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है? हमारे जब एक मार्क दिया है, सब है, सब सही है, फिर किससे करेंगे इसकी शिकायत? अब वो हम खुद करेंगे। अब मतलब अधिकारियों की कार्रवाई से नाखुश हैं? अब वो हम सब देखेंगे, अब हमारा जो कागज है सब हैं, सब बातें, फिर भी आप परेशान कर रहे हैं सब लोग। करीब मीडिया वाले, करीब 25-30 मीडिया वाले हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं कार्रवाई होगी तो मीडिया वाले तो हम लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया, मीडिया वाले बार बार अरे भाई मीडिया वालों का काम है, कार्रवाई होगी तो दिखाएंगे। कार्रवाई हो रही है ना, साफ कर रहे हैं बराबर। हाँ, तो आप कार्रवाई से असंतुष्ट हैं? नहीं है, हम संतुष्ट हैं, बराबर होना चाहिए ऐसा। अच्छा। आगे भी होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से अभी वो ना संतुष्ट थे, अब संतुष्ट हो चुके हैं। साहब, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? आज कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार यहाँ पे मिलावट के आधार पर सूचना मिली थी हमें कि इनके यहाँ जो हल्दी मसाले बनाए जा रहे हैं उसके आधार पे चीज़ पाई जा रही है, उसमें कुछ मिलावट के शंकाएँ हैं, ऐसा किया जा रहा है। कुछ पाया गया अभी? हाँ, इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में जितने ही पैकेट्स हैं उन सबको जब्त किया गया है और कुछ ऐसे मतलब एडल्टेंट के रूप में कुछ कलर पदार्थ है जो मिला है उसको हमने सैंपल के रूप में लिया है। कलर वगैरह मिला थे? हाँ, थोड़ा कलर का शिकायत थी, वही कुछ पाई गई है। अच्छा, तो ये इतने सारे सैंपल जो जा रहे हैं इसकी जाँच होगी क्या? बिल्कुल, हमारे राज्य प्रयोगशाला में इसकी जाँच की जाएगी और उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कौन से साहब और आए थे अधिकारी का? यहाँ पे सभी हमें प्रशासनिक पूरी टीम थे, हमारे एडीएम साहब थे, हमारे एसडीएम साहब थे, सीएसपी और पुलिस प्रशासनिक दल और टोटल प्रशासनिक दल था हमारा। कारखाने को सील कर दिया है? हाँ, कारखाने को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कारखाने को सील कर दिया गया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सील लग चुकी है और यहाँ पे अधिकारियों ने अपने दस्तावेज करके पूरे गोदाम को सील कर दिया है और कारखाने में ताला डाल दिया गया है। यहाँ पे सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी तत्व सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।